कैपेसिटर्स के अंदर जैसे कि हमें मालूम है कि अगर कोई दो प्लेट्स हों, उन दो प्लेट्स को मेटल की दो प्लेट्स हैं, उन्हें हम लोग बैटरी के साथ इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। हमें मालूम है कि जिस प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं, अगर ये बैटरी मैं कह दूँ कि मेरे पास 6 वोल्ट की है, तो एक सिक्स वोल्ट की बैटरी के साथ जो है अब पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा है, हमने जोड़ दिया है इस प्लेट के साथ, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे इस बैटरी इस प्लेट के ऊपर, जो है वो वोल्टेज आना शुरू हो जाएगा। और जब वोल्टेज किसी प्लेट के ऊपर आ जाता है, तो वो वोल्टेज उस प्लेट के अंदर ये काम करता है कि उस प्लेट के ऊपर जो है वो चार्ज स्टोर करता है। यहाँ पर जैसे कि प्लस 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 चार्ज जो है वो जमा हो जाते हैं, ये वाला पार्ट नेगेटिव प्लेट जो है नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है। और दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आना शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्जेस इसी वोल्टेज की वजह से आए हैं, क्योंकि ये वोल्टेज इस प्लेट को दिया गया और इस वोल्टेज ने ये काम किया कि इस प्लेट के अंदर चार्जेस को स्टोर करना शुरू कर दिया, कोअर की फॉर्म में उसने जो है वो चार्ज को स्टोर कर लिया, तो अब इन दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज आ गए। जब हम बैटरी से जो वोल्टेज है किसी भी मेटल की प्लेट पर दें, तो उसके अंदर जो है वो चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाता है, और ये जो चार्ज है ये जितना आप वोल्टेज देंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। और दूसरी बात आपको ये भी पता है कि क्यू का जो रिलेशनशिप है, जब हम डायरेक्टली हटाते हैं तो क्यू इज इक्वल्स टू सी वी आ जाता है, और सी जो है ये हमारी कैपेसिटेंस है किसी भी कैपेसिटर की, यानी कि किसी भी कैपेसिटर के अंदर कितनी ताकत है, कितनी पावर है, कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, कितनी एनर्जी अपने अंदर जो है वो स्टोर रख सकता है, उसे उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बोला जाता है। ये हमारे पास एक कैपेसिटर है। अब पहली बात है कि हम इसे बगैर डायलैक्ट्रिक के देखते हैं कि बगैर डायलैक्ट्रिक के इसके ऊपर जो कैपेसिटेंस है वो हमें मालूम है कि सी इज इक्वल्स टू क्यू ओवर वी आ जाती है। और दूसरी बात, जैसे कि आपने गॉसस लॉ के एप्लीकेशन में पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो चार्ज प्लेट हों और उन्हें हम लोग बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, तो बैटरी के साथ कनेक्ट करने से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरीके से एक्ट करना शुरू कर देती हैं, और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान चूँकि अभी चार्ज भी है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी आ जाती है, वोल्टेज भी है, तो वोल्टेज का जो रिलेशनशिप है वी इज इक्वल्स टू ई डी, जो कि हमने पोटेंशियल ग्रेडिएंट मालूम करते हुए भी ये रिलेशनशिप इस्तेमाल किया है, उसे हम लोग कैपेसिटर्स में यहाँ पर भी इस्तेमाल कर लेते हैं, वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, चूँकि गॉसस लॉ की जो एप्लीकेशन है वो भी दो चार्ज प्लेट के साथ थी और कैपेसिटर के अंदर भी दो चार्ज प्लेट जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। जब तक कैपेसिटर के अंदर दो चार्ज प्लेट ना हो, कैपेसिटर कैपेसिटर नहीं कहलाता। कैपेसिटर होता ही तब है जब कोई दो चार्ज प्लेट को प्लेट हो और उनकी कंस्ट्रक्शन से हम लोग जो है कैपेसिटर को बनाते हैं, यानी बेसिकली कैपेसिटर एक प्लेट से भी नहीं बनता, उसके लिए दो प्लेट्स का होना ज़रूरी है। तो गॉसस लॉ की उस एप्लीकेशन में जिसमें हम लोगों ने वी इज इक्वल्स टू ई डी का रिलेशनशिप पढ़ा है, वहाँ पर भी तो हमारे पास दो चार्ज प्लेट ही होती है जिनके दरमियान एक चार्ज क्यू जो है पॉइंट चार्ज जो है वो मूव कर रहा होता है। तो अब इस सिचुएशन में अगर मैं क्यू की जगह ये वाला रिलेशनशिप लगा लूँ, वी की जगह बल्कि क्यू डिवाइड बाई वी की जगह यहाँ पर ई डी आ जाता है। और दूसरी बात ये कि अगर गॉसस लॉ की एप्लीकेशन गॉसस लॉ के बारे में देखा जाए, तो गॉसस लॉ में ये भी तो बताता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बिटवीन टू ऑपोजिट चार्ज प्लेट वो सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। अब क्यों ना मैं इस ई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लूँ, क्योंकि कैपेसिटर में भी हमारे पास दो ऑपोजिट चार्ज प्लेट हैं, तो यहाँ पर सी इज इक्वल्स टू क्यू और ई की जगह अगर मैं सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट लगाऊँ तो डी साथ में आ जाएगा, तो हमारे पास सी के लिए ये रिलेशनशिप निकल आएगा। अब अगर मज़ीद आगे देखा जाए तो हमें मालूम है कि ये जो सिग्मा है ये हमारी जो है ये हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, क्योंकि इस पूरी दो सर्फेसिस पे भी तो चार्ज है ना, तो हम बजाय ई चार्ज की बात करने के हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर लेते हैं, जो कि कैपिटल चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई यूनिट एरिया, जो उनका एरिया होता है उस सारे एरिया के बराबर होता है, यानी कि क्यू डिवाइडेड बाई यूनिट एरिया उसका जो एरिया है उसके जो है डिवीजन के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर मैं सिग्मा की वैल्यू पुट कर दूँ, सिग्मा की भी वैल्यू लगा देते हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि फिजिक्स में डिफरेंट चीज़ों की वैल्यूज़ लगाने से आपके पास नए से नए एक्सप्रेशन आता जाता है, और ये वैल्यूज़ हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम आखिर पे एंड पे एक छोटे से एक्सप्रेशन तक पहुँच जाएँ। अब अगर हम ये वाली वैल्यूज इसमें लगाते हैं, तो ये वाली वैल्यू लगाने से हमारे पास इस तरह से होगा, बल्कि यहाँ पर कर ही लेते हैं, इस तरीके से हम बता देते हैं कि ये वाला हमारा ये आ गया था जो है हमारे पास
कि हमारे पास सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट था, फिर हमारे पास जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी वो क्यू डिवाइडेड बाई ए है। अगर मैं इसकी वैल्यू लगाऊं तो मेरे पास जो कैपेसिटर है उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो क्यू डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी क्यू ओवर ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आ जाएगा। अब ये जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास जो है क्योंकि हमारा पिछला एक्सप्रेशन ये है कि सी इज इक्वल्स टू हमारे पास इस तरीके से क्यू डिवाइडेड बाय हमारे पास क्यू ओवर ए उसके बाद एप्सिलॉन नॉट इंटू हमारे पास डी था, तो ये एप्सिलॉन नॉट हमारा ऊपर शिफ्ट हो गया और उसके बाद जो है ए भी हमारा इस तरीके से हमारा ऊपर आ जाएगा। ये दोनों चीज़ें आपस में कट जाएंगी, एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया, ए भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और नीचे हमारे पास डी रह जाएगा। तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है कैपेसिटर के अंदर जब हम लोग डाइइलेक्ट्रिक नहीं इंट्रोड्यूस कराते, वैक्यूम के फॉर्म में कैपेसिटेंस मालूम करते हैं, तो हमारे पास जो रिलेशनशिप निकलती है वो ये निकलती है एप्सिलॉन और ए डिवाइडेड बाई डी। तो देखा जाए तो अब ये चीज़ें पुट करने से हमारे पास फॉर्मूला कितना इजी बन गया है कि अब सिर्फ हमें एप्सिलॉन और तो जो कि कॉन्स्टेंट है, अब अगर हमें सिर्फ जो हमारा एरिया है उसका पता हो, प्लेट्स के दरमियान जो एरिया है प्लेट्स के एरिया का पता हो, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसका पता हो, तो हम इजीली कैपेसिटेंस बता सकते हैं। ये कोई भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि जितनी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उतना ही आपका एरिया ज़्यादा होगा, और जितना डिस्टेंस आपकी प्लेट्स के दरमियान कम होगा उतनी ही आपकी जो है कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। तो इस रिलेशनशिप से आप आसानी से बता सकते हैं कि आपको जो कैपेसिटर है वो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है कि उसकी कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटेंस पावर उसकी कैपेसिटेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाए। अगर आप कोई कैपेसिटर बनाते हैं और उसका जो एरिया है एरिया अगर आप इंक्रीज कर देंगे तो जाहिर सी बात है उस कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। अगर उन दोनों प्लेट्स जिनका एरिया आपने बहुत बड़ा रखा है लिमिट के हिसाब से जितनी आपको कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है अपना कैपेसिटर, उनके दरमियान अगर प्लेट्स के दरमियान आप फासला थोड़ा कम कर देंगे तो उस सिचुएशन में भी आपकी कैपेसिटेंस जो है उस कैपेसिटर की इंक्रीज कर जाएगी, जो कि ये इसके साथ इन्वर्सली और जो एरिया है उसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारा कैपेसिटर था जो हम लोगों ने ऑलरेडी यूज़ किया है, ये हमारी वोल्टेज वाली बैटरी है, और इस तरीके से मैं कह देती हूँ कि पहले हम लोगों ने वैक्यूम के साथ किया था, अब हम लोग इसके अंदर कोई एक डाइइलेक्ट्रिक लगा देते हैं। डाइइलेक्ट्रिक कुछ भी हो सकता है, इंसुलेटर्स को भी हम लोग एज अ डाइइलेक्ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइइलेक्ट्रिक में आप कोई ग्रीस लगा हुआ पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऑयल पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई वैक्स पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा आप प्लास्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं, आप रबर इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स को भी इवन आप जो है वो एज अ डाई इलेक्ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है आप एयर को भी इवन हम लोग जो है डाई इलेक्ट्रिक के तौर पर डिफरेंट कैपेसिटर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने उस कैपेसिटर के बारे में जब मैंने कैपेसिटर के टाइप पढ़ाई थी तो हम लोगों ने वेरिएबल कैपेसिटर के बारे में बात की थी। वेरिएबल कैपेसिटर के अंदर हम लोगों ने एयर को एज अ डाइइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो एयर को भी हम लोग एज अ डाइइलेक्ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। लेट्स से मैं यहाँ कहती हूँ कि मैंने एक कोई ना वैक्स पेपर या कोई एक शीट जो है उसे डाइइलेक्ट्रिक यहाँ पर रख लिया। अब जब मैं किसी डाइइलेक्ट्रिक को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराती हूँ तो मेरी कैपेसिटर जो है इस कैपेसिटर जो कैपेसिटेंस है इस कैपेसिटर की वो चेंज हो जाती है। वो इस तरीके से चेंज हो जाती है कि अब हमारे पास अगर मैं यहाँ पर डाइइलेक्ट्रिक का एक्सप्रेशन लिखूँ तो एप्साई नॉट के साथ यहाँ पर एप्साई आर आ जाता है इंटू ए डिवाइडेड बाई डी, तो ये हमारे पास डाइइलेक्ट्रिक के तौर पर इसकी वैल्यू आ जाती है कि डाइइलेक्ट्रिक लगाएं तो हमारे पास जो है वो एप्साई आर आ जाता है। और जब डाइइलेक्ट्रिक लगाया जाता है डाइइलेक्ट्रिक डाला जाता है कैपेसिटर के अंदर तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो एप्साई आर इंटू सी जो वैक्यूम के साथ हम लोगों ने मालूम किया उसके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाती है। तो इस तरह से हमारी जो कैपेसिटर है कैपेसिटेंस है डिफरेंट कैपेसिटर्स की वो चेंज हो जाती है बल्कि बढ़ जाती है अगर हम उसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो अब ये जो डाई इलेक्ट्रिक हम इस्तेमाल करें जिसकी बात हम बार बार करते हैं कि ये डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देता है, अब हम ये देखते हैं कि ये किस तरीके से इंक्रीज करता है। डाई इलेक्ट्रिक की भी आपके पास दो टाइप होती हैं, ये आपके पास डाई इलेक्ट्रिक है, ये आपके पास डाइइलेक्ट्रिक है, इसकी आपके पास दो टाइप होती हैं, एक आपके पास पोलर डाइइलेक्ट्रिक होता है और एक नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक है। ये आपके पास पोलर डाइइलेक्ट्रिक है इलेक्ट्रिक, और ये आपके पास ये जो है ये नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक है, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। ये डाइइलेक्ट्रिक की दो टाइप्स हो गई,
नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक एक ऐसा डायलैक्ट्रिक होता है जिसके अंदर सारे कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, जो भी एटम या मॉलिक्यूल के जो कॉम्बिनेशन है, वो जो भी मॉलिक्यूल इसके अंदर होंगे इस पूरे डायलैक्ट्रिक के अंदर, वो सिमिलर होंगे। जैसे कि यहाँ तो वो नाइट्रोजन 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 होंगे, या फिर अगर एक ऐसा डायलैक्ट्रिक होगा कि इसमें क्लोरीन 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 होगा, यानी कि इसमें पोलराइजेशन नहीं हो सकती। सिमिलर एटम्स हैं, सिमिलर मॉलिक्यूल्स के एटम्स हैं, कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल का एटम उसके अंदर नहीं आता। इसे हम लोग जो है वो नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक कहते हैं। जबकि पोलर डायलैक्ट्रिक ऐसा डायलैक्ट्रिक होता है जिसमें जो मॉलिक्यूल है वो कम्बिनेशन होता है डिफरेंट एटम्स का, जैसे कि NaCl हो सकता है, इसके अलावा कोई और कम्बिनेशन हो सकता है, आपके पास जो है कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, जिसमें यानी कि डिफरेंट पोलैरिटी होती है। जो आप पोलर है, पोलर डायलैक्ट्रिक जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें दो पोल्स आ जाते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। इस पोलर डायलैक्ट्रिक को हम लोग एज अ डायलैक्ट्रिक इस्तेमाल करते हैं मोस्टली जो है इन कैपेसिटर्स, क्योंकि ये पोलराइजेशन में इस्तेमाल होते हैं। ये इस्तेमाल किस तरीके से होते हैं अब इसके बारे में देखते हैं कि हम लोग कह तो रहे हैं कि हम लोग डायलैक्ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन डायलैक्ट्रिक इस्तेमाल कर क्यों रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं अब हम इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि ये हमारे पास एक प्लेट है और ये हमारे पास सेकेंड प्लेट है। इस प्लेट को हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पर बैटरी के पॉजिटिव और ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो पॉजिटिव चार्जेस जो है एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे इस प्लेट के ऊपर, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस जमा होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी आ जाएंगी जो कि पॉजिटिव से टूवर्ड्स नेगेटिव जाती हैं। इस तरीके से अगर मैं कहूँ, इस तरीके से पॉजिटिव से हमारी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेगेटिव की तरफ इस तरह से होती हैं, जो कि ई को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाई जाती हैं। अब जब एक डायलैक्ट्रिक है, डायलैक्ट्रिक के अंदर हमें अगर पोलर डायलैक्ट्रिक की बात की जाए तो उसके अंदर जो है पोलराइजेशन होती है, मतलब कि डिफरेंट पोल्स होते हैं, पोल्स होते हैं इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं होते बल्कि पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से पोल्स होते हैं। अगर इन्हें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ना प्रोवाइड की जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के बगैर ही रहने दिया जाए, तो ये रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, रैंडम होते हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसे उठाकर इस फील्ड के अंदर रख दूँ, इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसे रख दिया, इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसे रख दिया, और इस डायग्राम को थोड़ा सा ठीक करके बना लेते हैं। इस तरीके से मैंने इसके अंदर रखा तो ये हमारे पोल्स जो हैं जो इस तरह रैंडम शेप में थे, इस तरह से अरेंज हो जाएंगे कि नेगेटिव जो पोल है वो पॉजिटिव प्लेट की साइड पे और जो पॉजिटिव पोल है वो नेगेटिव प्लेट के साइड पे हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास जो पोल्स हैं वो अरेंज होना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से जब ये पोल अरेंज होंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आना शुरू हो जाएंगे और इंडक्शन की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस आना शुरू हो जाएंगे। तो एक चार्ज तो क्यू पहले ही इन प्लेट्स पे थे, अब एक न्यू चार्जेस भी आ गए हैं जिन्हें आप Q1 कह लीजिए, जो अब मजीद प्लेट्स पे आ गए हैं। तो जब आप डाइलेक्ट्रिक को डालते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और आप वो पोलर डाइलेक्ट्रिक को डालते हैं, तो उनके जो पोल्स हैं जो है वो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, वो जो है रीअरेंज हो जाते हैं। पहले रैंडम में होते हैं, फिर अरेंज हो जाते हैं, और इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। चूँकि ये इलेक्ट्रिक पोल्स हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने से ये अरेंज हुए हैं, तो इन्हें हम लोग इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का फिनोमिना जब होता है तो कैपेसिटर के अंदर चार्जेस जो है वो पहले से भी ज़्यादा जमा हो जाते हैं, चार्जेस ज़्यादा जमा हो जाते हैं, और ये हमेशा चार्जेस जो पहले प्लेट पे मौजूद थे जो कि कैपिटल क्यू है, ये हमेशा बाद वाले चार्जेस से ग्रेटर ही होते हैं। लेकिन डाइलेक्ट्रिक रखने से तो चार्जेस हमारे पास इंक्रीज हो गए, और हमें पता है कि क्यू इज इक्वल्स टू सी वी का रिलेशनशिप है, तो अगर क्यू ज़्यादा है तो हमारे पास सी भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है। यही वजह है कि जब हम डायलैक्ट्रिक को किसी भी कैपेसिटर की दो प्लेट्स के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज करना शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम लोग जो हैं इन डायलैक्ट्रिक्स को कैपेसिटर के अंदर लगाते हैं। और दूसरी बात ये कि जो डायलैक्ट्रिक हैं इनकी दो टाइप्स हैं, इलेक्ट्रिक और जो है पोलर डायलैक्ट्रिक और नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक। मोस्टली हम लोग जो है वो पोलर डायलैक्ट्रिक को कैपेसिटर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम इन्हें कैपेसिटर के अंदर डालते हैं इनके जो पोल्स हैं जो रैंडम होते हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं, अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, और मज़ीद चार्जेस भी कैपेसिटर के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन भी हो जाती है, और दूसरी बात कि कैपेसिटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चार्ज स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है। तो यही वजह है कि हम लोग जो है कैपेसिटर्स के अंदर डायलैक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कराते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर हमारे पास
पास जो है वो कोई भी डायलैक्ट्रिक नहीं था, तो हमारी जो कैपेसिटेंस थी वो सिंपल थी कि हमारे पास कैपेसिटेंस सी इज इक्वल्स टू एप्साइलन नॉट ए डिवाइड बाई डी आ रही थी, लेकिन जैसे ही डायलैक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कराते हैं तो एप्साइलन आर आ जाती है, और यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव होती है। मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, इस तरीके से बनानी चाहिए थी, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है डायरेक्शन है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस स्टोर रह जाती है, अगर हम डाइलेक्ट्रिक डालें तो मज़ीद हो जाती है, और अगर डाइलेक्ट्रिक ना भी डालें तब भी कैपेसिटर की अपनी कैपेसिटेंस होती है, अगर हम उसे बैटरी के थ्रू चार्ज कर लें तो।